चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आलू के बड़े बनाएंगे, आलू बड़े जो बारिश के मौसम में बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो देखेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी रेसिपी सारे वीडियो मिल सके। यहाँ पर हमें बड़े बनाने के लिए पहले आलू उबले हुए, यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए बॉईल किए हुए। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, सादा नमक, थोड़ी सी शक्कर, मीठा सोडा जो खाने का सोडा आता है वो, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, आधी हरी मिर्च कटी हुई, हरा धनिया, हींग पाउडर और अजवाइन। और जो बैटर तैयार करेंगे बड़े के लिए, उसके लिए 1 कटोरी बेसन और पानी और मूंगफली का तेल। तो यहाँ सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे बड़े के लिए। तो यहाँ पर जो आलू उबले हुए हैं उनको इसमें एक पैन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1 छोटी चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच शक्कर, 1 बारीक कटा हुआ प्याज था वो इसमें ऐड कर देंगे, 1/2 छोटी हरी मिर्च कटी हुई है उसको ऐड करेंगे, हरा धनिया, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच हम इसमें हींग ऐड करेंगे। ये मसाला इस तरह से तैयार हो गया है और अब हम इसके छोटे छोटे से बोल तैयार कर लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे से बॉल तैयार कर लेंगे। इसके सारे इस तरह से बॉल तैयार कर लो। इस तरह सारे बॉल तैयार कर लिए हैं बड़े के लिए और अब हम बैटर तैयार करेंगे। तो यहां पर मैं 1 कटोरी बेसन ले लूंगी, 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 सा मीठा सोडा खाने वाला, इसको डाल के थोड़ा पानी ऐड करके इसका अच्छे से बैटर तैयार कर लेंगे। लम्स बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए इसमें, तो इसको बिल्कुल अच्छे से बैटर को बना लेना है। इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए ताकि जो बड़े बनाएंगे उसके पूरा पूरी तरह से ये उसके गोल में डुबो के अच्छे से बन जाएंगे। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही रेस्ट करने देंगे। और यहाँ पे मैंने तेल गर्म चढ़ा दिया, पहले हम इसे थोड़ा सा इस तरह डाल के देखेंगे, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब हम जो बड़े हैं उसको इस तरह से इसमें बैटर में डालेंगे, चारों तरफ बैटर को इसमें लगाना है हमें। आप चाहे तो चम्मच की सहायता से या फिर हाथ से भी इसको निकाल सकते हैं, यहां मैं चम्मच से इनको निकालूंगी। इस तरह से मैं इनको फ्राई कर लूंगी, इनको डीप फ्राई करना होता है।
इसे हमें कम कम आंच पर, थोड़ा सा आंच को ज्यादा तेज नहीं रखना है, बिल्कुल धीरे धीरे आंच पे फ्राई कर लेंगे अच्छे से। सुनहरा होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। ये हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। इस तरह मैं सारे बड़े तैयार कर लूंगी, इस तरह से आलू बड़े सारे तैयार हो जाएंगे। और ये हरे धनिये की चटनी और सॉस के साथ मैं सर्व कर रही हूँ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज जरूर बताइए, और सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।